प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पहुंचे हुए हैं यशोभूमि एक्सपो कन्वेंशन सेंटर। और यहां पर एक बेहद अहम बात, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती के मौके पर उन छोटे छोटे कारीगरों को संबल देने के लिए, उनके काम की सराहना करने, उन्हें सहयोग करने के लिए एक विशेष योजना पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां द्वारका में पहुंचे हुए हैं, उन कलाकारों से खुद उन्होंने मुलाकात की है जिनका भारत की जीडीपी में भी अहम योगदान, भले ही टुकड़ों में छोटा छोटा लेकिन कुल मिलाकर योगदान निर्यात में तकरीबन 48% का होता है, जो ऐसे कलाकारों की कलाकृतियां होती है, ऐसे कारीगरों के उत्पाद होते हैं। लेकिन इन्हें और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से आज एक नई योजना की शुरुआत, पारंपरिक वेशभूषा में इसी तरह की ये कलाकार। योजना के लाभ क्या क्या हैं, किन्हें मिलेंगे, हम लगातार ये आपको बता रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का उद्देश्य कुशल कारीगरों को बहुमूल्य सहायता एक तरफ प्रदान करना है, वहीं दूसरी तरफ इस योजना में तहसील या फिर जिला मुख्यालय पर जो लघु और मीडियम उद्यम है यानी कि मध्यम उद्यम विभाग जो है वो संचालित करेगा और एक व्यापारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के सफल आवेदक को ट्रेनिंग सेशन मिलेगा और उसके बाद रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि वो ट्रेंड होकर फिर काम करेगा। इस योजना में ट्रेनिंग पाने वाले कारीगरों को अर्धकुशल मजदूरी के बराबर वित्तीय सहायता का प्राविधान शामिल होगा, यानी कि अगर ट्रेनिंग हो रही है तब भी आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा लेकिन आधा दिया जाएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट और शर्तें क्या क्या होंगी आपको बता दें कि आवेदक की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक अकाउंट पासबुक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, यानी कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आजकल लगभग हर घर में मौजूद रहते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक ताकत के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये जो 18 वर्ग हैं उन्हें ये योजना सौंपी जा रही है। लेकिन जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस योजना के अनाउंस किए जाने की बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं उन तमाम 18 वर्गों के सशक्तिकरण पर भी, जो कि न सिर्फ आर्थिक रूप से हो रहा है बल्कि सामाजिक रूप से भी हो रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इस योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा पर या फिर अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित अभ्यास को मजबूत करना है और पोषित करना है, जिसका साफ मतलब हुआ कि जब हम एक हाथ से दूसरे हाथ अपनी कारीगरी अपनी एक्सपर्टीज को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जब कोई एक शख्स दूसरे शख्स को अपनी कला सिखाता है वहां गुरु शिष्य परंपरा बन जाती है और इसी परंपरा को जीवित रखना भी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत देखा जाएगा। पीएम विश्वकर्मा का मुख्य फोकस कारीगरों शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करना है, यानी कि प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग हर चीज को सुनिश्चित किया जाएगा इस योजना के तहत। और फाइनेंशियल एक तरफ मदद की जाएगी, साथ साथ ट्रेनिंग की भी सुविधा हो सकती है। और आपको बताएं कि ये सुनिश्चित करना भी होगा कि डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ एकीकृत भी किया जाए, यानी कि इंडिया में नेशन वाइड लेवल पर और साथ साथ किस तरीके से सही सामान सही बाजार में पहुंचे इसका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे क्योंकि हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी, पहचान पत्र चाहिए होगा, निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, बैंक अकाउंट पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। लेकिन आवेदन कैसे किया जाएगा? पीएम विश्वकर्मा को 13,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ केंद्र सरकार पूरी तरीके से वित्त पोषित किया जाएगा। योजना के तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का